हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केसर क्रिएशन। आज मैं आपको कुर्ती के फ्रंट पार्ट में एक पैटर्न बना के दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग करके रखी है और उसमें मैं राउंड शेप का नेक बनाने वाली हूँ। तो राउंड शेप का नेक भी मैंने बुकरम पे कट करके प्रेस से चिपका के रखा है और उसके बीच में मैं पिन टक्स का एक पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो मैंने पिन टक्स लगा के प्रेस करके तैयार रखा है और ऐसे ट्रायंगल शेप भी मैंने बना के रखे हैं और एक सीधी डोरी पाइपिंग भी मैंने बना के रखी है और एक मैंने 70 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ाई की एक पट्टी ली है, जिसको मैंने डबल करके पाव से भी थोड़ा कम जगह पे सिलाई लगा के रखी है और उसको मैं पलटी करूँगी सुई धागा से और इससे भी मैं एक पैटर्न बनाने वाली हूँ। और मैंने एक क्रॉस पट्टी ली है जिसमें डोरी पाइपिंग करके नेक पे बिठाऊंगी। तो चलो मैं अभी मशीन पे दिखाती हूँ कि कैसे पैटर्न बनानी है। तो सबसे पहले हम ये वाले पिन टक्स को तैयार करेंगे। तो पिन टक्स कैसे लगाना है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ तक मैंने पिन टक्स लगाया है और ये प्लेन रखा है। तो सीधी साइड ऐसे पलटी करके मैं दोनों साइड हाफ हाफ में सिलाई लगा दूंगी। हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मुझे बीच में 2.5 इंच का चाहिए, तो 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए साइड से भी सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट कर दूंगी। दोनों साइड मैंने सिलाई लगाई, ये साइड ओपन है और ये साइड पैक है। तो यहां से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम ऐसे पलटी करेंगे। तो पलटी करने के बाद मैंने प्रेस भी लगा दी और ऐसे मेरे रिक्वायरमेंट थी 2 इंच की, तो मैंने 2 इंच पे ही रखा है। और अभी मैंने जो ये पट्टी तैयार की थी डोरी वाली, उसको इसके दोनों साइड अच्छे से बिठा दूंगी। इस तरह से मैं दोनों साइड पट्टी बिठाती हूँ। तो इस तरह मैंने दोनों साइड डोरी पाइपिंग बिठा के ये बेस तैयार कर दिया और अभी इसको हम इस पे लगाएंगे। तो उसका नाप लेना है, तो नेक मेरा यहां तक बैठ रहा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक लाएंगे, यहां से स्टार्ट करते हुए ये बीच का निशान है हमारा मिडल का, तो इसमें भी हम ये वाला मिडल का निशान ऐसे लगाते हुए बीच में एक 5 नंबर की सिलाई लगा देंगे। यहां से बीच में 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ बीचों बीच ये वाला पट्टा 5 नंबर की सिलाई से बीच में सिलाई लगा के जॉइंट कर दिया और यहां तक हमारा नेक बैठेगा। तो हम यहां से ट्रायंगल लगाना चालू करेंगे। हमने जो ये ट्रायंगल बनाए वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां तक हमारा नेक बैठेगा, तो उसके नीचे से हम दोनों साइड ऐसे अच्छे से जमाते हुए
इस तरह से हम इस साइड भी ऐसे ही ट्रायंगल लगाएंगे और तैयार करेंगे, और बीच में भी एक दूसरी पैटर्न आएगी। तो इस तरह मैंने दोनों साइड ट्रायंगल लगा दिए, और यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि यहाँ कुर्ती का घेरा लगेगा। और अभी मैंने 70 इंच लंबी पट्टी ली थी उसको पलटी करने वाली हूँ। तो उसको ऐसे पक्के धागे से नीचे एक गांठ लगा के यहाँ पे ऐसे अच्छे से फिक्स करके ऐसे उल्टी सुई से पूरी बाहर निकालनी है सुई को। तो इस तरह मैंने सुई को बाहर निकाला, और फिर उसको ऐसे मशीन के ऊपर ऐसे बांध देंगे एकदम फिट, और पीछे से ऐसे खींचते जाएंगे धीरे धीरे, आराम से खींचेंगे नहीं तो धागा टूट जाएगा। इस तरह से आप कितनी भी पतली क्यों ना हो डोरी, आपकी पलटी हो जाती है। धागा ना टूटे उसका ध्यान रखना। देखो ये आ गई बाहर, फिर आप आराम से खींच सकते हो। तो मैंने ये पट्टी को उल्टी कर दी, और यहाँ पे 3 पार्ट करके यहाँ पे सिलाई लगाई, और अभी यहाँ मशीन पे थोड़ा यहाँ से अटका के ऐसे मैं चोटी बनाऊंगी एकदम बराबर से। तो इस तरह एक भी सलवट ना आए ऐसी तरह से पूरी चोटी बनानी है। और ये वाली चोटी को हम इसके बीच में अटैच करेंगे, जहां तक नेक है उसके ऊपर से चालू करेंगे, और लास्ट तक हम ऐसे मशीन नहीं मारेंगे क्योंकि मशीन से सिलाई करेंगे तो इसकी फिनिशिंग चली जाएगी। तो हम सुई और धागा की हेल्प से पूरी अटैच करेंगे, तो मैं उसको करके दिखाती हूँ। तो इस तरह मैं अटैच करती जा रही हूँ, और छोटे छोटे बीचों बीच बैक स्टिच लेती जाती हूँ। यहाँ से लिया, फिर ऐसे बैक स्टिच लोगे तो मजबूत इसमें अटैच होगा। तो इस तरह मैंने चोटी भी अंदर बराबर से फिट कर दी, और ये नेक भी मैंने लगा दिया, और बीच का पार्ट एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया, और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए, और अभी उसको हम पलटी कर देंगे। पलटी करने के बाद ये मैंने जो क्रॉस पट्टी में डोरी पाइपिंग बनाई है उसको मैं उसके ऊपर लगाऊंगी। बराबर से फिट करते हुए
तो नेक में ये डोरी पाइपिंग लग गई और ये एक्स्ट्रा थी, उसको हम कट कर देंगे। और यहाँ से थोड़ा निकालते हुए उसको थोड़ा खींचेंगे तो एकदम बराबर से बैठ जाएगी। यहाँ से भी थोड़ा खींचोगे तो नेक में एकदम अच्छे से बैठ जाएगी पाइपिंग। तो इस तरह हमारी ये नेक की डिजाइन रेडी है। ये एकदम बराबर से चोटी बनाओ तो एकदम अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।